अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक xpacademy.com, जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स जुमला CMS सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन के अंदर मैं आपको पेज ब्रेक की ऑप्शन बताने जा रहा हूं। पेज ब्रेक को हम कैसे यूज करते हैं और कब यूज किया जाता है। बेसिकली डियर स्टूडेंट्स, जब बाज अवकात हम कोई अपने पास आर्टिकल टाइप करते हैं, हम कोई आर्टिकल अपने वेबसाइट के अंदर डालते हैं, उस आर्टिकल की लेंथ फर्ज करें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, यानी कि बहुत नीचे तक वो एरिया ले रहा होता है। तो हम उसे स्क्रीन एरिया के अंदर अपने पास एडजस्टमेंट करना चाह रहे हैं, हम कहते हैं इस एरिया से इस एरिया के अंदर नजर आए, या थोड़ा बहुत नीचे स्क्रॉल बार ऊपर नीचे हम उठा कर लें। जैसे मेरे पास ये एक आर्टिकल है, मैं वापस होम पे चला जाता हूँ, मेरे पास ये एक आर्टिकल है, मेरे से इसको होम की ओर क्लिक कर रीड मोर की ओर क्लिक करता हूँ, देखें तो ये मेरे पास स्क्रॉल बार मुझे नीचे की तरफ लेकर जा रही है। जब आपके पास बहुत ज्यादा सिचुएशन ऐसी हो जाए, ठीक है, यानी कि ये तो चलें दो तीन लाइनें हैं, मैं बल्कि सबसे पहले ऐसा करता हूँ, इस आर्टिकल को जाकर मजीद और बढ़ा देता हूँ। तो जब आपके पास ये आर्टिकल फर्ज करें आपके पास 5-6 पैराग्राफ और नीचे लेकर आ रहा है, तो आप इसके अंदर कुछ लिंक्स रखना चाहते हो। आप कहते हैं अगर बंदा किस्टन के ऊपर, यानी कि किंस्टन के ऊपर डिटेल से बात करना चाहता है, जस्ट के ऊपर क्लिक करे तो लिंक इसके पास चला जाए। अगर वो FTP ऑन द गो के ऊपर क्लिक करना चाहे तो इसका उसे पैराग्राफ मिल जाए, यानी जिस चीज के ऊपर वो क्लिक करता है उसको वही लिंक्स मिलते जाए, या जंप लिंक्स आप जिन्हें कह सकते हैं। तो ये काम कैसे किया जाता है, इस बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो होम के ऊपर मैंने क्लिक किया, मेरा जो ये आर्टिकल है, देखिए क्या है, लेटेस्ट फाइनेंस के का टाइटल लेकर मेरे सामने आ रहा है। तो मैंने क्या करना होगा अपने आपको, अगेन मैं एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर चला जाऊंगा। अब मुझे जो काम करना है वो अपने लेटेस्ट जो आखिरी आर्टिकल है उसके ऊपर काम करना था, जो लास्ट आर्टिकल था उसके ऊपर आप काम करना चाह रहे हो। तो अब क्या करना होगा आपको, आपको उसके लिए आर्टिकल मैनेजर के अंदर जाना होगा। तो इसके ऊपर आप क्लिक कर दें, मैंने क्लिक किया तो देखें यही आपके पास आ गया, लेटेस्ट फाइनेंस, ठीक है जी। अब आप करना क्या है, इसको आप क्लिक कर दें, जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो मेरे पास ये आ गया, ये जो रेड मार्क होता है ये आपके पास रीड मोर का दिखाई देता है, ठीक है। मैं सबसे पहले तो क्या करता हूं, इस आर्टिकल को मजीद बढ़ा देता हूं कुछ, यानी कि मैंने इसको कॉपी किया, नीचे आने के बाद मैं इसको पेस्ट Ctrl-V और एक और Ctrl-V कीबोर्ड से लगा देता हूं। अब मैं इसको अप्लाई कर देता हूं, अप्लाई कर देने के बाद मैं इसको जाकर अगेन यहां से रिफ्रेश कर दूंगा। जब ये रिफ्रेश हो जाएगा तो मैं आपको रीड मोर के ऑप्शन के अंदर लेकर चला जाता हूं। तो देखें, अब देखें ये बहुत नीचे 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 की तरफ निकल रहा है मेरे पास, ठीक है, तो ये नीचे नीचे की तरफ ये मेरे पास निकलता आ रहा है। अब ये चीजें आप कैसे कवर करते हो, ठीक है, यानी कि आप कहते हो यहां पर आप क्लिक करें तो आपको ये नीचे की तरफ लेकर चला जाए। अब एक बंदा सबसे एंड वाले की तरफ आना चाहता है तो एंड वाले क्लिक करे ऊपर आ जाए, ऊपर वाली तरफ जाना चाहता है ऊपर क्लिक करे आ जाए। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें जो ऑप्शन अप्लाई करनी है वो है पेज ब्रेक। तो हमें पेज ब्रेक का यूज करना होता है यहाँ पे। अब पेज ब्रेक को कैसे यूज किया जाता है, सबसे पहला जो पेज ब्रेक है वो मैं यहाँ पे लगाना चाह रहा हूँ, किस्टन के ऊपर लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, किस्टन ऑफिस। अब मैं क्या करूंगा, आप इधर है देखें, इधर है, और जस्ट आप पेज ब्रेक के ऊपर क्लिक कर दें। मैं इसको पेज पेज के ऊपर क्लिक कर दें, सबसे पहले कहता है आपका टाइटल क्या है, पेज का टाइटल क्या होगा, ये जब मैं भी आपको बताने जा रहा हूं क्या है। मैं इसको दे देता हूं किंगस्टन ऑफिस का, ऐसे मैं टाइटल दे देता हूं, ठीक है। देन आपसे कहता है टेबल ऑफ कंटेंट एलियस। अब ये क्या मांग रहा है आपसे, ये मांग रहा है अब जो जिस बटन के ऊपर लिंक बनेगा, यानी कि वो वर्ड इधर टाइप करें जिसको क्लिक करने के बाद आप अपने इस एरिया पर आ जाएंगे। तो मैं आपको समझाने के लिए, आपको कंफर्म करने के लिए यहां पर मैं इसे टाइप कर देता हूं My link to Kingston, ठीक है, और इसको आप इंसर्ट कर दें यहां पे। मैंने एक इधर डाल दिया है, ठीक है। अब मैं इसे क्या कर देता हूं, यहां से इसको अप्लाई कर देता हूं। मैंने इसको अप्लाई कर दिया, वापस आप पीछे की तरफ आ जाए और इधर आकर जैसे आप इसको होम के ऊपर निकल जाए, आपके पास ये है। अब रीड मोर के ऊपर जाए तो आप देखें रीड मोर में मेरे पास ये बिल्कुल कम लिखा हुआ है यहां। कहां तक आया था, जहां पे किंस्टन, क्योंकि पहला ही पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ आ चुका था। और अगर आप इधर आ जाएं यहां पे देखें आपके पास आर्टिकल इंडेक्स आ चुका है,
जब आप पेज ब्रेक बनाते हो तो आपके पास आर्टिकल इंडेक्स के नाम से आपके पास एक और यहाँ पे बॉक्स बना हुआ आ जाता है। अब इसके ऊपर जो सबसे पहले है वो क्या है, फुल आर्टिकल है। आप क्लिक कर दें तो वो जो आपके सामने नजर आ रहा है। देन मैंने एक लिंक बनाया था माई लिंक टू किंस्टन, तो ये है माई लिंक टू किंस्टन। जैसे मैं क्लिक कर देता हूं तो देखिए मुझको सीधा किंस्टन की वो जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी उससे नीचे नीचे जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये मुझे वो शो कर रहे हैं। अब ऊपर वाली गायब हो चुकी है, इसने इसको दो पेज के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। लेकिन मैंने एक दो वर्ड वहां पे दिए थे, टाइटल दिया था, टाइटल किधर है, अगर आप इधर आ जाइए यहां पे देखें ये किंगस्टन ऑफिस, ये आपके पास वो टाइटल आ चुका है यहां पे टॉप पे। ठीक है, अगर आप ऑल पेज के ऊपर क्लिक कर देते हो तो देखिए आपको फुल पेज इधर नजर आ जाता है। आप देखिए बीच में कोई भी ब्रेक की ऑप्शन नहीं है। अगर आप इधर आ जाए तो आपके पास देखिए ये है। इस तरह से इसके अंदर मैं मजीद कुछ लगाना चाह रहा हूं, मजीद बढ़ाना चाह रहा हूं, तो आपके पास अब रेड लाइन जो होती है ये रीड मोर के आपके पास लिंक होता है, रीड मोर का आपको मार्क शो करती है, जबकि ये जो डॉटेड लाइन है ये आपके पास पेज ब्रेक के लिए शो की जाती है। वापस मैं इधर आ जाता हूँ और मैं इधर एफटीपी के यानी कि इधर मैं एंड में क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे बिजनेसमैन के पर, और देन मैं एक और यहां पर लगा देता हूँ। ठीक है, इस मरतबा वैसे मैं यहाँ पे टाइटल जो है वो सिंपली देता हूँ एफ टी पी, और ये तमाम मैं वर्ड जो है कैपिटल टाइप कर देता हूँ, और यहां पे मैं इसे क्या देता हूं FTP ऑन और ऑन द गो। ठीक है, और इसको मैं इंसर्ट कर देता हूं, मैंने एक और इंसर्ट कर दिया, और अब आप अगेन इसको अप्लाई कर दें या सेव कर देंगे तो पीछे लेकर चला जाएगा, अप्लाई करेंगे तो सेव भी हो जाएगा, इधर भी रहेगा। वापस इधर आ जाएं और इसको रिफ्रेश कर दें आप। जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया अब देखा FTP ऑन द गो, जैसे मैं क्लिक कर देता हूं तो ये मेरे पास लिंक आ चुका है जो मैंने लास्ट वाली लाइन के अंदर डाला था, और FTP मेरे पास टॉप पे लिखा हुआ आ चुका है। तो देखा जुमला के अंदर हम कितना इजिली, कितना पावरफुल, कितना आसानी से हम बड़े से बड़े आर्टिकल्स को, बड़ी से बड़ी वेबसाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। फुल आर्टिकल देखना चाहते हैं आप क्लिक करें, आपके पास ऑल पेजेस के ऊपर क्लिक करें तो आपके पास आपका फुल आर्टिकल लिखा हुआ नजर आ जाएगा। देखा आपने, आपके पास ये आपका फुल आर्टिकल दिखाई दे रहा है। अदरवाइज जो आपने पेज ब्रेक्स बनाए थे उसको आप वन बाय वन भी व्यू करना चाहें, आप इसको देखें वन बाय वन भी आप इसको व्यू कर सकते हैं। ठीक है, मैं इधर आ चुका हूँ, सबसे स्टार्ट पे आ चुका हूँ, क्योंकि पहला वाला जो है इसको वो बाय डिफॉल्ट लेता है। आप नेक्स्ट कर दें, आपको सिर्फ नेक्स्ट वाला एरिया दिखाई देगा यहां से लेकर इधर तक। अब जैसे मैं इधर क्लिक कर देता हूँ नेक्स्ट के पर, आपके पास इधर FTP ऑन द गो, क्योंकि यहां पे मैंने इसको स्टार्ट किया था, उसको आपको नीचे की तरफ ही लेकर जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन के अंदर हमने देखा कि हम जुमला के अंदर रहते हुए अपने पास पेज ब्रेक का यूज कैसे करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होते हैं। मजीद मालूमात और डिटेल के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको फ्री ऑनलाइन करवाए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी बजरिया TCS आपके बताए हुए एड्रेस के मुताबिक आपको दे दी जाती है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारा हेल्प ऑनलाइन हेल्पलाइन नंबर है 0343-901-7779, या आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल के लिए हमारा एड्रेस है xpacademy@ymail.com, या आप हमें स्काइप पे ज्वाइन कर सकते हैं एक्सपी अकेडमी के नाम से। तो डियर स्टूडेंट्स, अपनी दुआ में याद रखिएगा, नेक्स्ट लेसन में फिर मिलते हैं, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।